मैं कह रहा हूँ माइक पकड़ो, उससे कोई चिंता नहीं है, तुम तो बोलो 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 माता के ऊपर आपकी अटूट श्रद्धा है और जो मेरी अटूट श्रद्धा है, ऐसी भूमि पर आज हमारे इस परिवार को सामने रखकर मैं प्रणाम करके आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अटूट के बहाने मैं आप सबसे सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं गोवर्धन जी बिश्नोई, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, आज 201 लोग लेकर अपनी पार्टी में आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीठापुर कांग्रेस के खोजा जी, सत्यनारायण जी भाटी, लक्ष्मण राम जी, डूंगर राम जी, मेवा राम जी, कुकरा जी भट्ट, राजू राम जी, प्लीज गोल्डन जी विश्व आप दिखाओ और उनके साथ के और भी विश्व सब लोग जो साथ आए हुए हैं, उन सबको पट्टियां लगाकर कौन मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ कि आज हमारे परिवार का एक अंश आप भी बन गए हो, ये देखकर सबसे मिलकर मुझे आज बहुत खुशी है। आ जाओ हमारे प्यार में, प्यार से मिलो, हमारा ये बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार के अंदर भी आप जुड़ जाओ और आने वाले 25 तारीख में हमारी मदद करते हुए हमारे ये छोटे से कार्यकर्ता को जुदा दिया। सबसे पहले मैं जब भी आपके यहाँ मैं आज कोशिश करूँ, आज भी आई माता के दर्शन करने का काम, कल्प वृक्ष की पूजा करने का काम और साथ साथ में यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारे सब देवी देवता 33 कोटि बताते ना, 33 कोटि में से बहुत सारे यहाँ जो बैठे हुए भगवान लोगों को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं मिला रहा हूँ। तो आय माता है सब, ये सब तो आय माता है, ये सब आय माता को भी मेरा प्रणाम। जब भी बिलाड़ा आती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। बिलाड़ा का ही अलग रंग रूप है, प्लेन से उतर के जब हम वहाँ मैदान से यहाँ अंदर आते हैं तो मैं हमेशा इसको कहती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता यहाँ से लेके वहाँ पर लाइन लगा के बीच में एक साइड दो साइड आदमी खड़े होते हैं, चलो भाई अंदर चले आओ हम आपके साथ। अरे वाह, आज तो बड़ा भव्य है स्टेज हमारा, ये भी मिल लो योगाराम हमारे, ये भी चुनाव करेंगे। अभी तो ये पूर्व MLA साहिबान थे, 1, 2 और 3, अभी 25 के बाद जब भी अरे
कल तुम्हारी कैमरा में कॉन्फिस्केट करूंगी सबके। देखा ये आप लोगों का काम दिक्कत हो रही है। एक बार हमारा टर्न आ गया है, अर्जुन जी का समय है और मैं समझती हूँ कि इस बार एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जो प्रयत्नशील, जो प्रेमी, जो मेहनती, जो आपके लिए दौड़ने को, भागने को, काम करने को तैयार है, जो कभी नाक और हेकड़ी के ऊपर नहीं चलता परंतु जमीनी कार्यकर्ता जाना जाता है, माना जाता है। आप उसको कभी भी पकड़ सकते हो, कभी भी अपनी मुसीबत बता सकते हो और वो अपनी बातों को हम तक पहुंचाने का काम किए थे। उस समय जो भी काम इन्होंने करवाने का काम था, हासिल नहीं कहते थे हमारा काम थोड़ा सा नहीं, मेरा काम नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं का काम है, मेरे क्षेत्र का काम है, अगर वो काम आप करवा देते हो तो हम बड़ी खुश होंगे। इन्होंने प्यार से नम्रतापूर्वक अपने काम कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ज्यादातर जो उन्होंने मांगा था उस काम को पूरा करने में हम लोग भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि जब कोई ऐसे प्रेम से मांगता है, जो कोई ऐसी नम्रता से मांगता है तो कौन उसे नहीं कर सकता है भाई। आप जैसे नहीं हाथ जोड़ के बोलता है प्लीज ऐसा काम कर मेहरबानी होगी। उपलब्धियाँ देखो, मैं अभी देख रही थी, मैंने क्या कहा कि भाई जब जाऊँगी इनके यहाँ तो याद तो दिलाऊंगी, क्योंकि 5 साल ऐसा समय होता है लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, 5 साल गुजर गया, याद दिलाना पड़ता है क्योंकि वो अपने दर्द में डूबे होते हैं, उनका दर्द ही अलग है। कांग्रेस पार्टी 4 साल पूरा तेल निकाल के छोड़ती है, बिजली नहीं मिलती, कहते हैं कि आपकी बिजली मिल जाएगी परंतु बिजली नहीं मिलती, आपके ट्रांसफार्मर 72 घंटे में मिलने चाहिए परंतु 72 दिन तक नहीं मिलते, आपके छोटे छोटे काम अभी बोला कि बिजली के लिए हम 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, आप बहुत खुश हो गए फ्री बिजली मिल रही है, 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, आप ये बोले कि एक जेब से दूसरे जेब में डाल रहे हैं, कैसे पहले तो सरचार्ज लगाया 56 करोड़ रुपए आपसे निकाले, फिर आपको बोला कि भैया 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, एक जेब से दूसरे जेब में डालने का काम किया, पैसा आप ही का है, उनका नहीं है, उनके जेब से कुछ नहीं गया, परंतु आपको उन्होंने एहसास कराने की कोशिश की कि हमने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, ये पैसा आप ही का था, कोई एहसान नहीं है इसमें। मैं अभी इनसे पूछ रही थी बट बिडाना जोधपुर सड़क पर बिडाना विधानसभा क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोमीटर 4 लेन CC सड़क का निर्माण कार्य यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, अपन उस पर चल रहे कि नहीं चल रहे, अच्छी लगी कि नहीं लगी, किसने बनाया, आपने, किसने बनाया, अर्जुन जी ने याद है ना, ओ भाई सब याद है, याद दिला रही हूँ आप लोग सबको। दातीवाला से मेहता सिटी स्टेट हाईवे 21 नंबर 218 करोड़ रुपए से निर्माण कराया गया, याद है, चल रहा है कोई उसी पे, याद है ना किसने बनाया, माणिका और दातीवाला पेयजल परियोजना में बिलाड़ा और पीपा नगर पालिका सहित 119 गांव में मीठा पानी बाधा किया था, वो मीठा पानी बाधा के समय कांग्रेस सरकार ने ये जो पाइपलाइन है इसको अन्य कैसे दूर अगर नहीं इस्तेमाल कर, अगर इस्तेमाल कर देते यहाँ का पानी यहाँ है, दूसरे का पानी दूसरे को नहीं, सोच विचार करके करते तो आसान क्या है, अरे यहाँ पानी आएगा चलो यहाँ से पाइपलाइन लेके वहां जोड़ देंगे तो यहाँ भी पानी नहीं, वहां दोनों प्यासे मरे, नहीं दिया इस पाइपलाइन से दूसरे तहसीलों को जोड़ने का काम किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सही तरीके से पानी दोनों में तीनों में नहीं मिल रहा, पूरा का पूरा ये जो व्यवस्था थी वो ठप हो गया।
जसवंत सागर बांध आपको याद होगा, हमने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। जब वो प्रॉब्लम हो गई थी तो आप लोग मेरे पास आए थे, तो उस समय मैंने पैसे दिलवा कर मैंने कहा जितने के लिए आप इसको कुछ कराने का काम करो। इसकी बढ़ाव की योजना अपन लोगों ने बनाई थी, वो सब बंद करने का काम अपन ने किया था, परंतु कांग्रेस सरकार ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है जब से लेके आज तक। अगर बड़ा हो वो जसवंत सागर परियोजना, बताओ मेरे को बड़ी है क्या? आगे चलाए क्या? आपके अलावा कोई नहीं, बात का कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया वहीं के वहीं। आपने अभी उसी मांग की क्यों? आप पहले जी आप जीत के आ जाओ, यहाँ आपके कोई काम ऐसे हुए हैं जिसको हम लोगों ने कभी हुआ है किसी सरकार के अंदर आप कोई मांगने आए और आपका काम नहीं हो सकता ऐसा बोला बोला है क्या? कभी बोला है क्या? अधिकारी कार्यालय बनाया, फिर राजकीय महाविद्यालय बनाया, फिर विवेकानंद मॉडल स्कूल बनाया, फिर पुस्तकालय भवन बनाया, फिर आरोग्य के निर्माण कार्य करवाया। शहर में पंचायत समिति कार्यालय, तहसील, धर्मशाला, अम्बेडकर भवन, ये भी सबके निर्माण हुए। उसके बाद बिलारा में संपूर्ण सुविधाओं समेत एक ट्रॉमा सेंटर, ठीक है ना, बोलने वाली नहीं थी, एक ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम हम लोगों ने किया। परंतु डॉक्टर दवाई इनके अभाव में बंद होने के कगार के ऊपर ये ट्रॉमा सेंटर लटक रहा है ना, है ना। मैंने हमेशा आप लोगों को ये कहा था कि अपने को उतना ही काम करना है जिस काम को अपन अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। आप बोल तो मेरे को कि 100 स्कूल खोलो यहाँ करने का हमारी आपको नहीं हो सकता। इतनों के लिए टीचर हैं, इतनों के लिए प्राचार्य हैं, तो उतने ही स्कूल खुलेंगे जिसके अंदर हम टीचर और प्राचार्य भर सकते हैं, ताकि बच्चे आए तो खाली कुर्सी में बैठ के कोई टीचर न हो, ऐसी परिस्थिति न हो। मैंने आपको ये हमेशा कहा था, इसलिए जो भी स्कूल खोले और हर पंचायत के ऊपर अपन ने स्कूल खोलने की कोशिश की, और नीचे से लेके मैंने छोटे से छोटे क्लास बड़ी से क्लास और उसमें कंप्यूटर वगैरह सब गेम्स वगैरह सब करने की हम लोगों ने कोशिश की। गौरव पर आपके बने गौरव पर आपके बने आज भाइयों, ये सब काम कर दे रहा है। इन लोगों को 4 साल के लिए कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हमारा भाग्य है या दुर्भाग्य क्या कहना रहेगा? हम लोग आते हैं तो खजाना खाली, रोड की हालत खराब, बिजली नहीं आती है, बिजली विभाग घाटे में, सारा कुछ नुकसान में आ जाता है। फिर हम लोग जैसे ये माताएं बहने अपने घरों को संभालती है, वैसे हम लोग संभालते हैं उसका भी पापोती रंग रोगन सब कर कर आके ठीक ठाक करके 5 साल से पहुंचते हैं तो राहुल जी जैसे आ जाते हैं और हमको गिनती सिखाना शुरू कर देते हैं। बोलो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस दिन के अंदर हम आपके सारे कर्जे माफ कर देंगे। क्यों भाई हुए? चुनाव के 20 दिन पहले 25 दिन पहले मैंने आचार संहिता शुरू हुई उनकी, उस समय मैंने आके आपको गिनती सिखाई और आपको ये बता दिया कि आपके के 10 दिन के अंदर ये सब कुछ काम पूरा हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चुनाव जब हो गया उसके 7-8 महीने बाद मैं जब सब लोगों के बीच में गई तो मैंने जो उन लोगों से पूछा कि आपको इतने सारे उन्होंने वादे किए कि आपको बेरोजगार भत्ता मिल जाएगा, मिला? नहीं मिला। आपको ये सब माफ हो जाएगा, मिला? नहीं मिला। आपकी बिजली 6 घंटे मिलेगी, आपको 24 घंटे आपको दूसरी बिजली मिलेगी, मिली? तो उन्होंने कहा ना, जो पहले मिलती थी वो भी धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर
हम लोगों को डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, हमारी ये हालत हो रही है। मैंने कहा एक चीज बताओ, इतना सारा काम करके हमने सब घर का ग्रह प्रयोजन घोष घोष करके सब तैयार कर दिया था, तो आप लोग कहाँ से मिलेंगे? साहब अब गलती हो गई, क्या करें? किसी ने आके कह दिया कि आपके 10 लाख रुपये तक, 10 लाख क्या जितना भी आपका कर्जा है, उस कर्जे को माफ करने का काम हम करेंगे। तो हमने सोचा चलो ट्राई कर लें। तो मैंने कहा 4 साल निकल गए, कैसे लग रहा है? हमने कहा पसीना आ रहा है, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, कोई काम जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हुआ, और हम लोग सब बहुत दुखी हो रहे हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि ट्रांसफार्मर आपको नहीं मिल रहे, बिजली का क्या हाल हो रहा है, इतने सारे बिजली के जो कनेक्शन होने हैं वो कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अरे भैया अभी तो अपने को पर 5वां साल आया और मालूम क्या हो गया, एकदम से पिटारा खुला और जादूगर ने उस पिटारे में से निकालना शुरू किया। क्या क्या निकला उसमें से? आपको जो चाहिए, आप क्या चाहते हो, स्कूल चाहते हो ले जाओ, कॉलेज चाहते हो ले जाओ, आपको रोड चाहिए वो भी ले जाओ, बच्चा चाहिए वो भी ले जाओ, क्या चाहिए आप तो खाली बोलो, गोबर की भी दाम है, मैं वो भी उठा लूंगा। अपने कार्यकर्ता से पूछा कि भैया हमको कोई घोषणा करनी है कि क्या बोले? उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सब कवर कर लिया है, वहां से लेकर गोबर तक आ गए हैं, बचा क्या है? तो कहने की सिर्फ इतनी है, एक साल में अगर आपने इतनी सारी घोषणाएं कर दी तो मैं पूछ रही हूँ कि 4 साल तक ये नाटक क्या करते थे? और आज ही जो नाटक कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि ये जो लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं वो सब तुम्हारी बातों के अंदर फिर से आ जाएंगे? याददाश्त करनी है, उनको समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं वो सब चीजें समझते हैं। 5 साल में पूरा टाइम मुश्किलों से निकला है, बहन बेटियों की इज्जत सड़क के ऊपर नीलाम हो रही है, माताएं पहले अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो कितना दिल दुख दुख होता है जब तक लड़की वापस नहीं आती घर, कितना डर लगता है कि वो लड़की भाग रही है, कितने बजे वापस आएगी, वो घड़ी देखते रहती है, ये स्थिति हो गई है सब घरों के अंदर। आज मेरी बिटिया कितनी सुरक्षित है मैं नहीं बोल सकता, मेरे को डर है। स्टेट का ना आए दिन निर्दोष छोटी बच्चियों के साथ, वो भी नहीं छोड़ा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये पूरा जग जानता है कि राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, एक एक दिन के अंदर 20-20 महिला अत्याचार करते हैं, एक एक दिन के अंदर 7-7 सुबह 10 दिन के अंदर वादा करके कुछ माइन करना, 19,000 से ज्यादा आज किसानों की जमीन हुई है, 350 से ज्यादा किसान हमारे क्षेत्र के अंदर आत्महत्या कर बैठे हैं। ये है जो हो रहा है प्रदेश के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मालूम होने की जरूरत है। बेरोजगार भत्ता, अरे माताओं बहनों को कितना मदद हो जाती है, अगर 2 साल की वजह से हम लोगों ने करवाया था कि 2 साल के लिए जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती, अब 2 साल से ज्यादा पड़ा रहेगा तो नहीं मिलेगा, पर 2 साल के अंदर अगर वो अपनी नौकरी ढूंढ लेता है, जब तक वो घर में है, जब तक उसकी माता पिता से मदद करने के लिए बेरोजगारी का भत्ता अगर उसको मिल जाता है तो उसको आराम मिलेगा, पर नहीं मिलेगा। 19 बार मेरे सब बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, 19 बार पेपर लीक हुआ है, ये आज तक अपने आप में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड है। आज जब अपन बात करते हैं तो सरकारी नौकरी कितनी जरूरी है, कितने पद खाली पड़ेंगे, परंतु हम इसके लिए कर पा रहे क्योंकि पेपर हर बार पेपर लीक होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हम लोगों को अपने घोषणा पत्र के अंदर या आपके सामने जब हम लोग ऐसे खड़े हैं बोलने की जरूरत है कि हम लोग में से कोई भी वापस सरकार बनाता है तो इस तरीके से हम लोग उस पेपर लीक को खत्म करने का काम करेंगे, ताकि आगे की व्यवस्था सही तरीके से बैठ सके और हमारे बच्चों को दर दर घूमने की जरूरत ही न पड़े। उसके साथ साथ नरेगा में आप चले जाओ, कहीं चले जाओ, पैसा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। पंचायत के अंदर आपके ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो भी नहीं है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है।
किन-किन चीजों में आज राजस्थान नंबर वन? अगर कोई कह देता कि इतनी इंडस्ट्री लगी है उसमें नंबर एक, पढ़े लिखे बच्चे हैं उसमें हम नंबर एक, सबसे अच्छा काम करने वाली है वर्क फोर्स है उसमें नंबर एक। राजस्थान की जानकारी जो है आज हमारे देश के अंदर वो इसलिए है कि सबसे ज्यादा महिला अत्याचार नंबर वन, दलित अत्याचार नंबर वन, भ्रष्टाचार नंबर वन, पेपर लीक नंबर वन, अपराध नंबर वन, कर्ज नंबर वन, बेरोजगारी नंबर वन, महंगाई नंबर वन, लोकेशन नंबर वन, पेट्रोल डीजल की कीमत में ज्यादा महंगाई नंबर वन। हाँ भाई साहब आप जाते जाते इतने नाटक हो रहे हैं कि मैं क्या रोज सुबह उठ के अखबार पढ़ लो और सोशल मीडिया देख लो, टेलीविजन देख लो, तो मालूम पड़ जाता है पूरे बादशाह आजकल झूठे गारंटी कांग्रेस देती है। हम आजकल देखिए आपने एक गारंटी, दो गारंटी, दस गारंटी, वही नंबर। आप लोग दस से आगे बढ़े ही नहीं हो, दस से आगे हमको गिनती सिखाई नहीं गई है। हम एक दो तीन चार से दस तक ही चलते हैं। दस की गारंटी देने का काम इन्होंने किया है, जिसकी खुद की वारंटी नहीं है वो काय की गारंटी हम लोगों को देने का काम कर रहा है। इसके बारे में कभी सोचने की जरूरत है भाई। सच में ये काला अध्याय है। मुझे बस इसी बात का दुख है कि आप लोगों ने बहुत सफाई करके सब घाटे उतार के उसको बिल्कुल कगार पे लाया था कि अगर ये सरकार दूसरी आपकी आ जाती है तो आपकी बिजली वैसे ही कम हो जाती है, आपको ये सब नाटक करने की जरूरत ही नहीं होती। आज खरीद नहीं पाते क्योंकि पैसे नहीं है, ट्रांसफॉर्मर नहीं खरीद पाते क्योंकि पैसे नहीं है, ये स्थिति नहीं होती। आपके खजाना भरा हुआ होता, अच्छी तरह से भरा हुआ होता, पर समझ में नहीं आता। अपने पाँच साल को चीज करते ही आते हैं, खर्च करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सड़क के ऊपर फेंकते और उसके बाद चले जाते हैं, फिर हम आते हैं उसकी सफाई करके उसको फिर ठीक ठाक करके जब तक वो फिर आने की तैयारी करते हैं। ये तो नहीं होता। जिसने मेहनत की है, जिसने मेहनत की है उस वागुन लोगों को आपको देने की जरूरत है ताकि आगे भी आपके लिए, उनके लिए नहीं आपके लिए फायदा मिले। तो आज मैं इतना ही कहने आया हूँ। देखो एक बात बता के जाऊंगी, मेरे का मेरा और जिसको मैं गहलोत जी का, ऐसे कोई दो जो लोग मिल जाए ना आपको, अभी तो मैं सीख नहीं पाई हूँ क्योंकि दो ही बार मैंने सरकार चलाई, परंतु उसका कहना है कि भाई तो मैं कितना भी काम करूँ अगर अगली बार उसकी सरकार आने वाली है तो मैं क्यों काम करूँ। हम तो अभी भी सोच रहे हैं कि शायद मान जाएंगे, परंतु अगर हमारे दिमाग के अंदर भी ये बात आ गई तो फिर तो दोनों जन सोचेंगे काम क्यों करना भाई, छोड़ो तुम एंजॉय करो, एंजॉय करेंगे अपन आएंगे, तो चाली बात तुम नहीं आओगे उसके बाद मैं ही आऊँ, तो फायदा किसका नुकसान किसका। तो फिर सोच लो ना यार काय के लिए कर रहे हो। देखो उधर गुजरात के अंदर 15 साल या 20 साल 25 साल आपको क्या हो गया गुजरात के अंदर आप देख लो, अगर गुजरात वाले भी यही काम करते तो क्या हो जाता। इसलिए भाई आप तो बहुत लकी हो, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए करेगा अपने लिए नहीं। आपके पास ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने मंत्री बनाया तो वो भी समझते थे कि मंत्री है। ऐसे लोग चाहिए जो भले लोग हैं, जब वो समय था तो मैं आपको कहूँ कोई जानता भी नहीं था कि मंत्री है, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से लोगों के पास जाके उसका काम कराने का तरीका और जिस तरीके के साथ लोगों के साथ ले जाने का तरीका वो सब लोगों को मालूम था। आप लोगों को ऐसा व्यक्ति मिला है, छोड़ो मत 25 तारीख आएगी
तो इस बार अपने को रिकॉर्ड मतों से इनको दिखाना है कि भैया 1, 2, 3, 4 से 10 तक की गिनती को हम समझ गए, अब उससे भी आगे बढ़ गए। हमको समझ में आ गई कि गिनती 10 से आगे होती है और वो करके हम दिखाएंगे, जोरदार तरीके से इनको जिताने का काम करेंगे। ये आपके हाथ में छोटी जा रही हूँ क्योंकि मुझे आज दोनों दर्शन करने आपके तो हो गए, मैं दर्शन सबके कर लिए। अब मैं वहां जाऊंगी, उनके दर्शन करूंगी, दोनों के दर्शन करके थोड़ा सा पावर लेके फिर जाने आगे जाने का काम करूंगी। और ये सोच करके करूंगी कि मैंने आपके हाथ में ऐसा व्यक्ति सौंपा है जो व्यक्ति आप लोगों को प्यार से आगे ले जाने का काम करेगा। अगर मान गए तो मेरे का कुछ जोड़ना था। महाराज माता की जय, मेरे पास माला भाई। अगर 10 की गिनती को समझ गए हो तो उससे आगे जाने वाली तैयारी है।